पाकिस्तान की मच अवेटेड फिल्म उमरो यार का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है बॉस। और सच में ये 3 मिनट का ट्रेलर पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री को हिलाने के लिए काफी है कि खुदा का वास्ता है कुछ अलग बनाओ और फिर देखो कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका कंटेंट फ्लॉप हो जाए। खैर, ट्रेलर के रिव्यू के स्टार्ट में ही मैं सलूट करना चाहूंगा वी आर चिल्ली प्रोडक्शन को, जो हर चीज इस फिल्म की इतने ग्रैंड लेवल पे कर रहे हैं कि देखकर मजा आ रहा है और ट्रेलर भी एक ग्रैंड लेवल का रिलीज किया गया है। जी हाँ, क्योंकि बाकी पाकिस्तानी फिल्मों की तरह नहीं कि सिर्फ 3 मिनट के ट्रेलर में पूरी फिल्म दिखा दी गई हो, उमरो यार के ट्रेलर के अंदर सिर्फ इतना कुछ दिखाया गया जो ऑडियंस को सिनेमा में खींचने की ताकत रखता हो। खैर, उमरो यार का ट्रेलर 10 से 15 मर्तबा देखने के बाद मैंने कुछ रीजन सॉर्ट आउट करी हैं, जिनको सुनने के बाद आप उमरो यार जैसी फिल्म को सिनेमा में मिस करने की गलती भी नहीं करोगे। तो आज वो फिर डिटेल में बात करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ड्रामा और मूवी से रिलेटेड मेरी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहली रीजन तो ये है कि फाइनली आपको पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर कुछ हटकर देखने को मिल रहा है और ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है जो इंटरनेशनल कॉन्टेंट के लेवल को टक्कर दे सकता है। क्योंकि उमरो यार फिल्म के अंदर आपको कमाल के VFX, कमाल की सिनेमेटोग्राफी और इसके साथ साथ CGI का तड़का देखने को मिल रहा है जो आपने आज से पहले पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर तो कभी नहीं देखा होगा। और इसके अलावा भी फिल्म के अंदर पाकिस्तान के पहले सुपर हीरो जैसा कॉन्सेप्ट डाला गया है जिसको देखने के बाद मजा तो जरूर आएगा। खैर, एक नेगेटिव चीज मैंने ये नोट करी है कि ट्रेलर अभी सिर्फ रिलीज हुआ है और नीचे कमेंट्स के अंदर काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि फिल्म की बैकग्राउंड 3D ग्राफिक अच्छी नहीं की गई है। तो भाई साहब, उनको मेरा एक सिंपल सा जवाब है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी पहली फिल्म के अंदर ही DC और मार्वल के लेवल को टच कर जाएगा। सेकंड रीजन है कि पाकिस्तान की पहली मूवी यूनिवर्स बनने जा रही है। जी हाँ, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को 3 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। तो इन शॉर्ट, वेलकम टू द मूवी यूनिवर्स इन पाकिस्तान। अब जो थर्ड रीजन है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है और वो है फिल्म की कास्ट, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमजा अली अब्बासी, जो कि मेरे फेवरेट है। वैसे सोर्सेज की माने तो इनका रोल फिल्म के अंदर सिर्फ कैमियो की हद तक होने वाला है, लेकिन वो सुना है ना आपने कि रोल छोटा वाला नहीं बल्कि दमदार होना चाहिए। और फिर फरहान ताहिर, जो फिल्म के अंदर आपको एज अ विलन नजर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मुझे कभी नहीं याद कि पाकिस्तानी किसी भी फिल्म के अंदर मैंने इतना खतरनाक विलन देखा हो। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो अभी जाके फिल्म का ट्रेलर देख लो, फरहान ताहिर के इर्द गिर्द जो विजुअल इफेक्ट डाले गए हैं ना वो बहुत ही कमाल है। और फिर उस्मान मुख्तार, ट्रेलर के अंदर इनकी मासूमियत वाली एक्टिंग ने मुझे बचपन के स्पाइडरमैन वाली याद दिला दी। और फिर जब ट्रेलर के अंदर इनके कैरेक्टर को एज अ सुपर हीरो में कन्वर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है, पूरी जिस्म के अंदर गूज बम फील करवा जाता है। और इनके अलावा भी फिल्म के अंदर आपको अदनान सद्दीकी, अली काजमी और सना नवाज जैसे कमाल के एक्टर देखने को मिलने वाले हैं। खैर, उम्मीद तो है बॉस की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की तरह पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएगी। चलो फिर, मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।